Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Dr. MD. आज डिस्कस करेंगे बियोलॉजी सेकेंड ईयर जिसका जो चैप्टर है रेस्पायरेशन पहले से हम स्टार्ट कर चुके हैं uh, पिछली वीडियो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर बनाई और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ़ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड वाट आर द डिफरेंट प्रोसेसिस दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन तीन आस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे पिछली जो वीडियो है है, वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस अगर मैं उसको रिकॉल करूँ तो ब्लड सप्लाई के ऊपर सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है परमेबिलिटी के ऊपर भी डिस्कस कर रहा है प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था वो भी मैंने डिस्कस किया है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है और कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है और वट आर द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम सो स्टार्ट करते हैं अपने डिफिनीशन से व्हाट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सो सिस्टम व्हिच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू इंपॉर्टेंट गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी एंड प्रोवाइड फंडामेंटल एबिलिटी टू ब्रीथ इज़ कॉल्ड ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं और ये ह्यूमन uh, बॉडी को फंडामेंटल एबिलिटी टू ब्रीथ प्रोवाइड करता है तो ऐसे सिस्टम को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं याद रखिए यहाँ पे लफ्ज़ सिस्टम का यूज़ हुआ है सो so, सिस्टम की डिफिनेशन के अंदर अ सेट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसके अंदर प्रॉपर कॉमन फंक्शन जो है वो रस्पाइरेशन होगी सो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वाल्व हैं और वो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रस्पायरेशन और जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है अपने चैनल के ऊपर वो भी आप देख सकते हैं सो so, हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है एक को हम ब्रीदिंग कहते हैं और दूसरे को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं सो so, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बाज़ात वाईवास के अंदर अब से पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है सो व्हाट इज ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज द एक्चुअल मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द बॉडी सो जो एक्चुअल मैकेनिकल मूवमेंट है जिससे हम एयर को इन एंड आउट करते हैं बॉडी से uh, जिसको सिंपली हम इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन के वर्ड्स यूज करते हैं सो इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग वाट इज गैसियस एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज के हमारे पास एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोथ बिटवीन द एयर एंड द लंग्स एंड द ब्लड एंड द टिश्यू। एयर और लंग्स के दरमियान जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है और फिर यही लंग्स से ब्लड के जरिए टिशू तक और फिर ब्लड और टिशू के दरम्यान जो एक्सचेंज हो रहा है तो so, इनको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं फिर इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं एक हमारे पास एक्सटर्नल Respiration है और दूसरी हमारे पास इंटरनल रेस्पायरेशन है अब समझते हैं कि external respiration कौन सी चीज चीज है है और respiration क्या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड इन साइड द लंग्स लंग्स के अंदर ब्लड और एयर हमारे पास जिसको मैं सिंपली इनवायरमेंट भी कह सकता हूं एयर so, और लंग्स <coughs> ब्लड के अंदर जो एक्चुअल एक्सचेंज हो रही है गैसेस के अंदर और वो कौन सी एक्सचेंज है कि एयर से ऑक्सीजन इंटर होगी ब्लड को और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर को जाएगी सो so, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं और इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी टिश्यू के अंदर जो कि मेटाबॉलिज्म हो रही है ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ऑक्सीजन ब्लड से लेगा टिश्यू और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड को देगा टिश्यू सो so, ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है टिश्यू लेवल के ऊपर इसको हम इंटरनल रेस्पायरेशन कहते हैं याद रखिए टिश्यू लेवल से मुराद के सेल के अंदर कौन सा रेस्पायरेशन हो रही है तो उसको क्योंकि टिश्यू सेल से बना है तो टिश्यू के अंदर भी इंटरनल रिस्पायरेशन हो रही है और अगर मैं एक बात करूं जनरलाइज्ड सो गैसियस एक्सचेंज तो सिंपल एक्सचेंज है अब uh, ब्रीदिंग हमारे पास एक मैकेनिकल मोमेंट है इन एंड आउट ऑफ द गैसेस मीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का और जो सेल के अंदर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रही है जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर मेटाबोलाइज हो रहा है इसको हम बेसिकली रेस्पायरेशन कहते हैं दिस इज द परफेक्ट डिफिनीशन ऑफ रेस्पायरेसन की जो मेटाबोलिज्म सेल के अंदर हो रही है फूड मेटाबोलाइज हो रहा है जिससे एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं रेस्पायरेशन असल में उसका नाम है जो कि हम इन एंड आउट गैसेस को ले जा रहे हैं तो ये तो हमारे पास सिंपल ब्रीदिंग है और गैसेस एक्सचेंज में एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास एक मेमब्रेन के आर पार हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है सो so, ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं इनके दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और ये इंपोर्टेंट है इसके बाद हमारे पास व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहला फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं कि रेस्पायरेटरी सिस्टम है तो मेन फंक्शन तो इसका रेस्पायरेशन ही होगा सो गैसियस एक्सचेंज आर द मेन फंक्शन ऑफ एंड द मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम लेकिन इसके साथ कुछ एसोसिएटेड फंक्शन है मिसाल के तौर पर हमारे पास साउंड uh, प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाई रेस्पायरेटरी सिस्टम इसको तो हम वोकलाइजेशन कहते हैं जैसे बिल्ली हमारे पास मियाओ मियाँ कहती है और आपस में कम्युनिकेट करते हैं सो so, इसके अंदर जो वोकलाइजेशन है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है और इसके नंबर तीसरे नंबर पर हमारे पास टू प्रोटेक्ट द एयर पैसेज सो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म जितने भी हैं लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग टू कीप पैसेज़ ऑफ रेस्पायरेशन क्लियर तो ये हमारे पास ये भी रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है अगर कोई फॉरेन बॉडी इंटर हो जाए गलती से तो कफिंग के ज़रिए हम उसको बाहर निकालते हैं और ये कफ़ कौन करता है ये हमारा सारा रेस्पायरेटरी सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है और चौथे नंबर पर हमारे पास कि अबडामिनल प्रेशर रेगूलेशन के अंदर भी रेस्पायरेटरी सिस्टम का मेन रोल है जिसके अंदर मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो हमारे पास मिकचूरेशन जो कंप्रेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन होती है उस फिनमिना को हम मिक्चूरेशन कहते हैं और उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है दूसरे नंबर पर पार्चूरेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के टाइम के ऊपर जो मसल्स यूटिलाइज होते हैं और जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं पार्चूरेशन कहते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही फंक्शन है और जो डिफिकेशन है जो हमारे डेली फंक्शन uh, है कि हम स्टूल uh, को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं प्रोसेस से तो वो जो प्रेशर क्रिएट होते हैं एबडामिन में तो वो सारा प्रेशर की क्रिएशन भी रेस्पायरेटरी सिस्टम का है जिसके अंदर जो मसल्स हैं वो आगे हम पढ़ेंगे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं एक्सट्रेंसिक कौन से मसल्स हैं हमारे पास डायाफ्राम का क्या रोल है सो so, ये सारे के सारे एबडामिनल प्रेशर रेगुलेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं हम तो सोचते हैं कि गैसियस एक्सचेंज हमारे पास मेन फंक्शन है टरी सिस्टम का लेकिन इसके साथ वोकलाइजेशन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग और एब्डोमिनल प्रेशर रेगुलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड फ़ंक्शंस है थैंक यू वेरी मच अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं अगली वीडियो हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम के जो आर्गन है उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर होगी कि सिस्टमिक कौन सी है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है और इसके अंदर जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो क्या क्या है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़